गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। 10 बज रहे हैं तो 10 बजे से आज ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। देखिए हाथ में मैंने नेल पॉलिश ले रखी है और आज फिर कहीं जाने वाली हूँ, तो आप सब भी चलिएगा, बने रहिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। जैसे नेल पॉलिश लगा लेती हूँ फिर चलते हैं, जहाँ जाऊँगी आप सब चलोगे ही साथ में, चलिए फिर बने रहिए। देखिए बहुत जल्दी मैं नेल पॉलिश लगाए ले रही हूँ आराम से, क्योंकि अभी वेट कर रही हूँ। पड़ोस के सभी लोग जाते हैं, देखो कहीं जाना होता है तो हम सब इकट्ठे होके जाते हैं, तो आराम से लगाऊंगी। और आज के ब्लॉग में फ्रेंड्स डांस, मस्ती, दुरैया, दुल्हन, पूजा, मतलब बहुत कुछ है, तो पूरी वीडियो देखिएगा ज़रूर। चलिए फाइनली हो गई हूँ रेडी। देखिए आज है गुरुवार बृहस्पतिवार, तो मैंने सोचा कि येलो साड़ी ही पहन लूँ। वैसे भी इस समय मेरे पास ना येलो का कलेक्शन बहुत ज़्यादा है। साड़ी भी है, एक कुर्ती मैंने ली है वो भी येलो कलर की है। येलो इस समय मेरा फेवरेट बन गया है, पता नहीं क्यों। कभी कभी ना कोई चीज़ बस पसंद आ जाती है, रंग हो या कुछ भी हो, कुछ दिन हम उसे फॉलो करते हैं, फिर कुछ दिन बाद फिर उब जाते हैं कि अरे अब ये वाला कलर बहुत हमने पहन लिया, अब कुछ दूसरा ट्राई करते हैं। ऐसा कुछ होता है कपड़ों में, शायद आप लोगों को शायद होता हो कि नहीं, मुझे होता है। कुछ दिन मुझे किसी कलर में ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा, फिर उसके बाद फिर मैं उसे छोड़ दूँगी, क्योंकि भाई कपड़े हैं, जब कपड़े हम दूसरा ले सकते हैं तो क्यों उसी को, उसी कलर को फॉलो करें, है ना। चलिए फिलहाल मिलूँगी वहीं। देखिए हम सब आ गए हैं यहाँ, मतलब बहुत सारे दुल्हा दुल्हन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, क्योंकि जिनकी न्यू न्यू शादी हुई है, लड़की हो या लड़का, सब लोग यहाँ देवी जी पूजने आए हैं, यहीं पे दुरैया जमाएंगे। और ये सारे हमारे पड़ोसी हैं, इन सब के साथ मैं आई हूँ, तो जिनके साथ हम आए हैं वो देवी पूजने लगी हैं। हम सब यहाँ बैठ के वेट कर रहे हैं उनका, वो पूजा कर लेंगे, उसके बाद हम सब दुरैया जमाएंगे। और ये देखिए चारों तरफ मतलब एक गुट बना बना के सब लोग चबा रहे हैं, जैसे 14 लोग, 7 लोग, जैसे जो चाहते हैं करना। एक दुल्हा दुल्हन ये भी आ गए, मतलब फुल साउंड बज रहा है। मैं भी कभी कभी खुद को भी दिखा देती हूँ, क्योंकि मैं ही हूँ तो कौन शूट करे, बच्चे साथ में जहाँ होते हैं बच्चे शूट कर लेते हैं। तो एक परिक्रमा लगाते हैं, इस मंदिर में मैं अक्सर आया करती हूँ, आप लोग देखते ही होंगे। इधर थोड़ा बहुत सामान भी मिल रहा है, जैसे बिंदी, सिंदूर, बच्चों के लिए खिलौना, गुब्बारे, ये जिनकी लड़की की शादी हुई है इधर से आ रही हैं। यहाँ हम लोग थोड़ा सा जल्दी आ गए हैं, बट कोई नहीं देख रहे हैं, सब लोग डांस कर रहे हैं, कोई कुछ बैठा हुआ है, कोई दुरैया खा रहा है, कोई पूजा कर रहा है, सबको देख रहे हैं आराम से। ये भी एक अच्छा मोमेंट होता है देखना भी। यहाँ बच्चे डांस कर रहे थे, थोड़ा सा वहाँ भी मैंने शूट कर लिया। इधर हम लोग सब बस बैठने वाले हैं, अब दुरैया चबाएंगे, वो लोग पूजा करके आ गई हैं। ये देखिए बच्चे कितना मस्ती कर रहे हैं। तो फिलहाल चलिए फाइनली दुरैया खाने का टाइम आ गया है। ये लड़की हैं जिनके यहाँ हम लोग दुरैया चबाने, मतलब जिनकी तरफ से गए हैं, तो अब सब रंग वगैरह लगाएंगे। देखिए डांस, ये जो देसी डांस होता है ना फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगता है। खैर इधर देखिए हम सब महिलाएं रंग लगा रही हैं, और दुरैया सबके लिए अलग अलग निकाल दी गई है, थाली में ले लेके सबके होली में डालेंगे। और बातें भी हो रही हैं, यहाँ बाजा बज ही रहा है बगल में, आप लोग देख ही रहे हैं। और आप सब सोच रहे होंगे ना, इस टाइम साधना अक्सर दुरैया ही खाने जाती रहती है, खाने चबाने जो भी हो। तो हाँ इस टाइम शादियों का मौसम है, तो जब तक महिलाएं इकट्ठा नहीं होती तब तक दुरैया कहाँ होती है। ये देखिए मैंने भी रंग लगा लिया है, ये बहुत अच्छी डिजाइन तो नहीं आती। इन दोनों
लड़कियों की शादी लगता है इकट्ठे हुई थी, क्योंकि दोनों एक तरह दुल्हन वाला सेट पहने हुए हैं, मतलब लाल जोड़ा, तो जो डांस कर रही थी तो मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ। देखिए सबके ओली में ऐसे दे रही हैं। तो अब हम फाइनली खाएंगे और बज रहे हैं 12:30, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। देखिए अब हम सब खा चुके हैं दुरैया, अब वही टीका चंदन क्या कहते हैं बिंदी वगैरह लेना वो ले लेंगे, और न्यूज जो इन लोगों ने महारानी पूजी है वो प्रसाद भी देंगे, तो हम सभी प्रसाद भी लेंगे। वही कह रहे हैं कि वेट करिए आप सब जाइए ना, क्योंकि वैसे भी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था फ्रेंड्स, इनको बहुत टाइम लगा है देवी जी पूजने वगैरह में, तो हम लोग बस जाने ही वाले थे उठ के, तो ये कहने लगी नहीं प्रसाद लेके जाइए, तो फिर से खड़े हो गए हैं। तो ये प्रसाद भी ले लें, फिर चलिए घर चलें, घर चल के फिर मिलते हैं। फाइनली फ्रेंड्स अब जा रही हूँ घर, यहाँ दुर्रैया और पूजा का काम चलता ही रहेगा, घर जाके मैं आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है। देखिए 10:30 निकली हूँ, 12:30 बज रहे हैं, ये सारा सामान लेके आ गई, न्यूज, गरी, प्रसाद, लाई, चना, पेड़े, जो भी मैंने खाया था, तो ये सारा प्रसाद है, जा रही हूँ रख दूँगी, बच्चे आएंगे तो खाएंगे, उनको नाश्ते में दे दूँगी, नाश्ते में क्या लंच में दे दूँगी, और फिर कुछ बनाऊंगी, मॉर्निंग में जो मैंने बनाया था वही बना है, खाना कुछ बनाई नहीं हूँ अभी फ़िलहाल, जा रही हूँ मैं चाय पीने, चाय पीने के बाद फिर और सारा कुछ करूँगी। आप लोगों ने देखा कितना ज़्यादा भीड़ थी ना, जितनी लड़कियों की लड़कों की शादी हुई थी वो सारे वहाँ देवी पूजने आए थे, सब बाजे गाजे के साथ, कुछ लोग दुरैया चबवा रहे थे, भक्ति में इंजॉय कर रही थी, मस्ती कर रही थी, मतलब यही सब हो रहा था। हम लोग वेट करते करते थक गए, क्योंकि इन जिन लड़की की शादी हुई थी ना तो उनकी पहले देवी पूजी गई वहीं पे फिर दुरैया चबवाई गई, तो ऐसा कुछ प्रोसेस था इसलिए टाइम लग गया। चलिए फिलहाल चाय बना लेती हूँ, अभी ज़्यादा लेक्चर नहीं देती हूँ, फिर बात करते हैं कुछ देर बाद, आप सब बने रहिएगा, ठीक है। भूख तो नहीं लगती फ्रेंड्स चाहे जितनी देर तक रह लूँ मैं, लेकिन सुबह से चाय पानी के बिना हालत थोड़ी सी हो जाती है टाइट, बट पूजा के काम में जाने में मज़ा भी आता है। घर चाय पी चुकी हूँ, बच्चा पार्टी आ गई है मेरी, सब लाई पेड़े खा के मस्ती कर रहे हैं मिलके। देखो फ्रेंड्स वहाँ से आने के बाद सीधे बैर खाने आ गई खेतों में अपने, सिवे झोड़ रहा है। क्यों आए हूँ बाद में बताऊँगी, फिलहाल देखिए आप यहाँ का नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है। सबसे बड़ी बात बैर मुझे मिल गई, मेरी फेवरेट। सिवे और ले आओ।